न्यूयॉर्क स्थित गुरुद्वारा सिख कल्चरल सोसाइटी विखे सिख कोआर्डिनेशन कमेटी ईस्ट कोस्ट USA अते दुआबा सिख एसोसीएशन वालों सिख कौम के महान शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा अते शहीद भाई सुखदेव सिंह सुखा का शहीदी दिहाड़ा मनाया गया। शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा अते शहीद भाई सुखदेव सिंह सुखा ने June 1984 दरबार साहिब ते हमला करन वाली भारतीय फौज के मुखी जनरल वैद्या नू सज़ा दे के इंसाफ किया सी। इन्हां दोवां सिंघां नू 10 अक्तूबर 1992 वाले दिन भारत सरकार ने पुणे जेल में फांसी दे दित्ती सी। शहीदां नू याद करन लई वड्डी गिणती च संगतां एकत्र होईयां अते बुलारियां ने शहीदां दी याद विच विचारां दी सांझ पाई। अज सुखे जिंदे दा शहीदी दिहाड़ा सिख कल्चर सोसाइटी विच बड़ी चढ़दी कला विच मना रहे हां। जिसने वैद्या नूं सोधिया, जिस जो जनरल सीगा जिसने हुक्म दित्ते सी दरबार साहब ते हमला करन दी करन लई, अज असीं उह सिंघां नूं याद कर रहे हां जिन्हां सिंघां ने साडी अज पग जो लही सीगी उह साडे सिर ते रखी है। अज संगतां बड़ी चढ़दी कला विच हुंब पा के पुज रही हैं। अज गुरद्वारा सिख कल्चर सोसाइटी के विच शहीद भाई सुखजिंदर सिंह सुखा हरजिंदर सिंह जिंदे होरां दा शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है, जिन्हां ने October 9, 1992 नूं फांसी दे रस्से जिहड़े आ उह चुम्मे सी अपनी शहादत दे लई। सो इह साडे उस समें दे नौजवान आ जिस वेले नौजवान अपने कैरियर दे बारे सोचदे आ, अपने भविख दे बारे सोचदे आ, अपने परिवार दे बारे सोचदे आ, पर इन्हां नौजवानां ने सिख कौम दी आन बान शान दे लई, सिखां दी डिग्गी होई दस्तार दे बारे सोचिया और खालिस्तान दी प्राप्ति दे लई इह शहादतां जिहड़ियां इह पा गए। टैंकों तोपां नाल हमला करके श्री अकाल तख्त नूं ढह ढेरी कीता अते 20वीं सदी दे महान सिख शहीद संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले, भाई सवेक सिंह, भाई अमरीक सिंह ते उहनां दे हरेक होर अनेक सिंघां नूं शहीद किया, छोटे छोटे बच्चों नूं, बजुर्गों नूं, मातावां नूं। तां उस समें तो बाद कौम दे ये योधे जिन्हां ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा हुई, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी इन्हां ने अपनिया जवानियां धर्म की खातर उन्हां दुष्टां ने जिन्हां ने काल तख्त ते फौजां चाढ़ियां सी, चाहे वह जरनल वैद्या होवे जां होर दिल्ली दे विच जिन्हां ने साडियां धीआं भैणां नूं शहीद किया सी, भरावां दे गलां विच टायर भर के शहीद किया सी, उन्हां दा बदला लैण लई तुरे सन। सो उन्हां योधिआं ने जदों पुणे की धरती ते इन वैद्या नूं गड्डी चढ़ाया, उस तों बाद जदों उह दोवें वीर फड़े गए तां पूना दी जेल दे विच उन्हां नूं फांसी की सज़ा दित्ती गई सी। उन्हां ने हस हस के चुम चुम के वो फांसी दे फंदे गल विच पाए। एक महाकौम दे महान शहीद सी जिन्हां नूं खालसा जी अपनी जीवन दे विच जिन्हां नूं पता है सानूं फांसी हो गई आ, उस खुशी दे विच उन्हां ने लड्डू वंडे। सुखा वीर ते जिंदे वीर का जिहड़ा शहीदी दिहाड़ा वा वह बड़े श्रद्धा भावना दे नाल मनाया जा रहा वा, क्योंकि इन्हां वीरां ने अमरीका की धरती तो जाके वह कुरबानी दित्ती आ जो सिख पंथ आउण वाले सदियां दे विच कदी भी भुल नहीं सकता, जिन्हां ने अकाल तख्त की जिहड़ा दोषियों ने अकाल तख्त की मर्यादा नूं भंग किया सी, जनरल वैद्या वर्गियां ने उन्हां ने हुक्म दित्ते सन, पर इन्हां सिंघां ने उहदी जिहड़ी भाजी आ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ।
शहीद योधा के उत्ते बहुत फखर महसूस करती है। अज गुरद्वारा सैक्रटरी के चेचे तौर पर टीवी 84 चैनल वालों ये जरा सारी जी कवरेज की जा रही है। असी उन्हां वीरां शरदा के फुल भेट करते हैं ते अपनी जी नौजवान पीढ़ी आ जी अज गुरु घर के नतमस्तक हो रही है उन्होंने उन्हां दी कुर्बानियां सिख इतिहास के बारे जाणू करवा रहे हैं। मैं समझदा कि यह बहुत वधिया उपराला वा। इत्थे हमेशा की तरह जो साडे कौम के महान शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा सुखदेव सिंह सुखा जिन्होंने उस वेले जनरल वैद्या का जिहड़ा सोधा लाया जिन्होंने दरबार साहब श्री अकाल तख्त साहब से एक व्यूतमान तरीके भारतीय जिहड़ियां भारतीय हुकूमत ने जिहड़ियां 8 तो वध होर कंट्रियां दे नाल जिहड़ी आ पूरी बलैन व्यूतमान तरीके नाल प्लैन करके जिहड़ा दरबार साहब श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते अटैक किया गया तो अज असी अपने मर्जी वड़े कौम के जिंदा शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा सुखदेव सिंह सुखा इन्हों का शहीदी दिहाड़ा बहुत ही उत्साह के नाल समुचियां पंथक जथेबंदियां सिख संगत इस गुरद्वारा सिकल सहड़ी विखे हमेशा की तरह जाहो जलाल दे नाल मना रही जिते खालिस्तान के परचम निशान साहब चलाए गए आ और शहीदा ने कतार जी बड़ी लंबी आ जी 1984 के भावें झूठे पुलिस मुकाबलों के उस वेले गौरमेंट ने जोड़े साढ़े नौजवानों खत्म करने की लहर चलाई थी वो या कौम का एक जोड़ा हथियारबंद संघर्ष उस वेले बड़ी जहो जलाल के साथ मरजीबड़िया वालों लड़िया गया उन्हों सारे ही शहीदों दिया जिन्होंने साड़िया बहुत सारिया भैन आ जिन्हों ने मूहरे होकर साढ़े भरावान के नाल नौजवानों के मोढ़े मोढ़ा ला के इस संघर्ष में बड़े जहो जलाल के नाल लड़िया और भारतीय हुकूमत को ही नहीं जो 7-8 कंट्रियां सन जिहड़ियां कि पूरी सपोर्ट कर रही थी भारतीय हुकूमत दियां उन्होंने भी लोहे के चने चवा दिते साडे मुठी पर सिंघां ने उस चमकौर साहब की गढ़ी का जिहड़ा दृश्य जिहड़ा गुरु साहब वेले वो मुड़ दोहराया गया अकाल तख्त साहब ते सिंघां वालों मुठी पर वालों और भारतीय हुकूमत दियां जिहड़ियां वड्डी तादाद विच टैंकां तोपां गैसां दे नाल लैस होके आए सन उन्होंने मूँह भी खाणी पई। सो अज उन्हां सारे शहीदां नूं सानूं साडा सिर झुकदा आ और मैं श्रद्धांजलि दिंदा आ नारे दे नाल खालिस्तान जिंदाबाद।